विवाद था। इस सुनवाई के दौरान भी काफी बहस हुई थी। हिंदू पक्ष का यह कहना था कि यह मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि यह मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी। मीर बाकी ताश्कंदी। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी। मीर बाकी ने बनवाई थी बाबरी मस्जिद। यह अभी तक का अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। चीफ जस्टिस इस समय अयोध्या वर्डिक्ट पढ़कर सुना रहे हैं और कोर्ट के अंदर से सीधा अपडेट News24 पर आपको मिल रहा है। यानी इतने दिनों से इतने सवाल थे ना, जिनका जवाब हम तब से तलाशने की कोशिश कर रहे थे, आज एक एक करके उन सब सवालों के जवाब मिल रहे हैं। पहला ये जवाब आ गया कि मीर बाकी ने बनाई थी बाबरी मस्जिद, और आधे घंटे तक ये पूरा फैसला सुनाया जाएगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं अनुराधा जी कि 11 बजे तक सब कुछ, पूरी स्थिति साफ हो जाने वाली है। इतने सालों से, इतने दिनों से जो लगातार इतनी बहस हो रही थी, क्या निकल के आया, क्या फैसला था वो जो कि सभी जजों ने लिया है, वो अभी बस आधे घंटे और। बिल्कुल, आधे घंटे और बहुत क्लैरिटी के साथ एक एक लाइन का ये फैसला आ रहा है, जिससे कि नो इफ्स एंड बट्स, क्योंकि जैसा कहा गया कि सर्वसम्मति से ये फैसला है, तो नो इफ्स एंड बट्स, क्लैरिटी के साथ सारे डिसीजंस आ रहे हैं, सो दैट एक बार वंस एंड फॉर ऑल ये मसला जो है वो एक ठिकाने पर लग जाए। एक और अपडेट आ रहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है श्रद्धालुओं की आस्था, श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का उसको स्वीकार करना चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था, उनका विश्वास, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी हां, हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं जो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, और चीफ जस्टिस इस समय उसे पढ़ के सुना रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आदेश में जो लिखा हुआ पढ़कर सुनाया है, उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, और दूसरा अब यह कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट को आस्था और विश्वास को मानना चाहिए। दिस कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट फेथ एंड बिलीफ ऑफ वर्शिपर्स। इसका मतलब कोर्ट, इसका मतलब यह हुआ कोर्ट विश्वास को, श्रद्धालुओं की आस्था को मानता है। Places of Worship Act reaffirms commitment. अच्छा, सीधे संदीप चौधरी के पास आपको एक बार ले चलते हैं जल्दी से। संदीप, आपके पास कोई अपडेट? संदीप, अभी देखिए जो ऑपरेटिव पार्ट है वो पढ़ा जा रहा है। जो पहला जजमेंट आया है, जो शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक इम्प्लीड किया था शिया वक्फ बोर्ड ने कि हमें भी इसका पार्टी बनाया जाए इस फैसले का, उसको सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है। अब ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है, अब देखना यह होगा जिस फैसले का पूरे देश को इंतजार है, वो फैसला भी सर्वसम्मति से आता है या दरअसल उसमें अभी कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस भी हो सकती हैं। अभी उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है। संदीप, आपको रोक रहा हूं एक सेकेंड, संदीप आपको रोक रहा हूं एक सेकेंड, हम आपके पास लौटेंगे संदीप, लेकिन अभी एक और अपडेट आ रहा है। अपडेट ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है Places of Worship Act reaffirms commitment of India to protect the interest of all religious communities. यानी के जो कि पूजा करने के स्थल हैं, उनकी सुरक्षा हमारे इस कानून में है, जिसे कि Places of Worship Act कहा गया है। हर धार्मिक स्थल की सुरक्षा कानून की जिम्मेदारी है, या कानून वैसा करता है, ये इस फैसले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसे चीफ जस्टिस अब पढ़कर सुना रहे हैं। हर धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए कानून प्रतिबद्ध, ये कहा गया है। ये फैसला, ये जो एक्ट है Places of Worship Act, ये शायद 1990-1992 के आसपास का ही है, ये 1994 का है ये।